वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो आज पहली बार हम संडे के दिन नहाए बैठो भी मैं भी नहाया एंड सी आज तो सिर नहाया बंदी ने। और गाइस टाइम नहीं है बिकॉज मॉल जाना है। आप नहाए होंगे। मैं डेली नहाती हूँ सुबह सुबह और आकर भी नहाती हूँ शाम को। ओके माशाल्लाह। सो आज रिएक्ट करेंगे पाकिस्तानी जनता उर्वशी पे गुस्सा है। आई डोंट नो व्हाई बिकॉज एक वन साइड फेयर चल रहा है। ऐसा लग रहा है पाकिस्तानी जनता को कि उर्वशी अपनी तरफ से नसीम शाह जो पाकिस्तान का नौजवान सेक्सी लौंडा तबाही मचा रहा भी उस पे लाइन मार रही है। आई डोंट नो कितनी सच्चाई है इस बात पे बट पाकिस्तान पाकिस्तान की जो जनता है वो तो भड़क चुकी है। सो लेट्स सी द वीडियो और पता करते हैं पाकिस्तान अफेयर। और गाइस कमेंट्स में बताइए कि कौन सी टीम मैच जीतने वाली है अगर ये वीडियो मैच से पहले डल गई जो कि चांसेस है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। ओरिजिनल करेंगे इसे मिल जाएगा मोइन जुबैर ऑफिशियल चैनल की वीडियो है। मैं ओरिजिनल कहूंगी कि हमारे लड़के पर डोर डालना बंद करो। बहुत सारे कोहली के बहुत फैन है तो हमने रिश्ता थोड़ी करना है कोहली से। गेम पे ध्यान दो। ऐसी बहुत उर्वशियां आएंगी अभी। जो प्लेयर्स हैं वो इंडियन से शादियां कर लेते हैं। डोर डालती हैं। हां डोर डालती है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान की एक ऐसी लड़की जो आज नसीम शाह जिन्होंने डिनाई किया और ये बात कही कि वो उर्वशी जो भारतीय अदाकार है उनको तो जानते ही नहीं। पाकिस्तानी लड़की जिसका नाम पलक है। क्या 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 ये उर्वशी इसने बोला है कि मैं उर्वशी तो जानता ही नहीं हूँ मेरे पे लाइन मार रही है। मतलब ये कह रहा है इसको जानते ही नहीं। उर्वशी मिस वर्ल्ड वो तो उनको चाहता ही नहीं लेकिन उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगा दी है। तो बतौर खातून क्या पैगाम देंगे आप इंडियन एक्ट्रेस को? मैं ओरिजिनल कहूंगी कि हमारे लड़के पर डोर डालना बंद करो। हमारा लड़का तुम्हें नहीं जानता। वो पाकिस्तान में ही शादी करेगा जब भी करेगा। पाकिस्तान में बहुत अच्छी बहुत प्यारी लड़कियाँ मौजूद है तो सकून से बैठो और अपने मुल्क का लड़का ढूंढो। ढूंढा तुमने चले आप खूबसूरत खुद भी हैं तो आपने कहा कि मैं वही कहने वाला था कि ये अपना रास्ता साफ कर रही है। दिस कॉल आपने यहाँ ही देखना बिल्कुल नहीं देखना। अपने मुल्क में देखना जब भी देखना है। और जैसे पहले भी ऐसा हो चुका है कि पहले जो वैसे देखो ये थोड़ा ज्यादा बोल रही है लड़की क्योंकि ये ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। कोई स्टोरी शेयर भी नहीं की। मुझे हमें क्या पता सच्चाई। देखो स्टोरी का मुझे पता नहीं शेयर करी है नहीं। आई डोंट नो कि आपको क्या पता वो लाइक भी करते हैं। ये भी क्या पता। क्या पता ये भी होता है वो मतलब इतने फॉलोवर्स है उसके उसने स्टोरी डाल दी ऐसी डाल दी। आपको क्या लगता है? हाँ वायरल तो तभी हुई है इस चीज़ है ना। ओ डाली तो होगी बट इसका मतलब ये नहीं कि उसको ये पसंद करती है। ओके बिकॉज ऐसा भी नहीं हो सकता। नसीम शाह वैसे छोटे है यार उर्वशी तो बहुत बड़ी है इसमें यार ऐसा कौन कर सकता ऐसे है। तो वो लेसी क्या नाम है उसका प्रियंका चोपड़ा भी बहुत बड़ी है। हाँ डोरे डालती है ना बहुत ज्यादा। तो मैं कहूंगी कि उनके डोरों में मत आए उनकी बातों में मत आए अपने करियर पर ध्यान दें। जब टाइम आएगा तो आपको इंशाल्लाह एक से बढ़कर लड़की पाकिस्तान में मिल जाएगी। अच्छा अगर आपको नहीं पता मैं आपको उर्वशी की एक हिस्ट्री बताऊँ। इससे पहले वो भारत के दो क्रिकेटर्स पर इस तरह डोरे डाल चुकी है उनके स्केट में जिनमें हार्दिक पांड्या है और ऋषभ पंत है। तो एक लड़की को आप कह लें तो ऐसी लड़कियों के लिए भी फलक की तरफ से कोई पैगाम हो। देखिए मैं कहती हूँ एक छोड़ के दस को डोरे डाले मगर अपने मुल्क में डाले। हमारे लड़कों को छोड़ दे। हमारे लड़के बहुत लड़कों को छोड़ दे। हाँ जी मैं कहा हमारे लड़के बहुत मासूम और शरीफ है वहीं पर रहे पाकिस्तान मत आए भाई। ये बहुत नेगेटिव की बात कर रही लड़की। फलक व्हाट इज रॉन्ग विद यू फलक क्या हुआ? अरे एक्साइटमेंट यार मैच मैंने इनका वो जो बीपी है ना वो ऐसे एकदम से 170 बिकॉज मैंने 10,000 रुपए लगाए पाकिस्तान की विन पे। भाई ये जीत जाना प्लीज यार प्लीज जीत जाना। मेरे पैसे नहीं डूबने चाहिए यार। सब है शोएब मलिक है हसन अली है ये सारे इंडिया की तरफ ही जाते हैं। लड़कियां मासूम है उनको अदाएं नहीं आती ना। जो इंडियंस को अदाएं आती है वो हमारी मासूम लड़कियों को नहीं आती ना। फंस जाते लड़के बेचारे हमारे मासूम है लड़के फंस जाते हैं। हां सब भी फंसते बचे आपको शुक्र बच गए ना फंस गए ना फंसे तो नहीं ना अल्लाह का शुक्र है। हमारे साथ अब सनम जावेद मौजूद है। सनम भारतीय अदाकारा है
बड़ी खूबसूरत उर्वशी, उसने पाकिस्तानी जो क्रिकेटर है नसीम शाह उसकी वीडियो लगा दी थी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर, और उसके बाद ये कहा गया कि ये किसका कुत्ता भौंक रहा है, दिमाग खराब कर रहा है। मैं सही में बाहर जाऊंगा चपेड़ मार कर आऊंगा, किसका कुत्ता ये पड़ोसी में तो कुत्ता है। ये याद रखना कि उसने लात पकड़ ली ना, छोड़ेगा नहीं जब तक वो ऐसे पकड़ के नहीं ले आएगा लात को साथ में। लात ही है ना तो चलेगा। अच्छा नहीं नहीं मिल जाएगी। कोई अफेयर चल रहा है, नसीम ने आज डिनाई किया है, तो ये वन साइडेड लव भारतीय अदाकारा ने क्यों शो किया? आपको क्या लगता है इसका पीछे क्या बैकग्राउंड हो सकता है? मुझे इसका बैकग्राउंड ये लगता है कि पाकिस्तानी आवाम बहुत ही वेली है, उनको कोई काम ही नहीं है, किसी ने कोई स्टोरी डाल दी तो उस पे इतना क्यों परेशान है? ओह या एग्जैक्टली, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, हारा हुआ मैच उस बंदे ने जिताया भाई। गाइस इस लड़की को फॉलो करेंगे, शी इज गुड, ये है बस स्टोरी डाल, इसका मतलब ये नहीं कि वो फॉलो करें, और आईडी मतलब इस लड़की की सोच को फॉलो करें, ये बोला मैंने। ये भी तो है ना कि फॉलो तो करें आईडी तो पाकिस्तानी। ये मोइन जुबेरी लड़का इंटरवोरा का, ये क्या बोल रही है लड़की, हमें ये आग लगानी है। जो इससे पहले कई भारत की जो एक्ट्रेस हैं वो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं उन पर दिल हार चुकी हैं। जहाँ तक मुझे लगता है वो ऑलरेडी रिलेशन में है इंडियन किसी क्रिकेटर के साथ। नहीं वो भी फेक था, हार्दिक पांड्या और उसके बाद हार्दिक पांड्या और उसके बाद वो ये पहली दफा मैच देखने तो नहीं आई, वो तो मैच देखने किसके लिए आती है फिर, वो पहली दफा तो नहीं आई। और नसीम शाह वो तो छोटा है अभी बहुत, गलत किया ना उन्होंने, एक वीडियो शेयर किया अच्छी बात है ना, इतने दुश्मनियां डाली की हुई है अच्छी बात है, उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस थी, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है उन्होंने शेयर किया। अगर यहाँ पे भी लोग बहुत सारे कोहली के बहुत फैन है तो सबने रिश्ता थोड़ी करना कोहली से। वाओ भाई, इस गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेट नहीं है, मोइन जुबेर को जाके फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा चैनल का, उनको अभी जाके फॉलो करें, और मैं भी आपके सामने सब्सक्राइब करता हूँ। बट ऑब्वियसली ही ट्राइड सो वेल कि कुछ ना कुछ बोले, जैसे फर्स्ट लड़की ने बोला था फलक मिलना कभी जिंदगी में है, और बाकी लड़की ने बोला 100% ट्रू बात करी है उसने कि स्टोरी डालने से ये नहीं जाहिर होता कि हम आप उससे प्यार करते हैं या फिर कुछ कर रही है। उसने भाई एक ऐसा इतना अच्छा मैच पर इस साल ने उसका डेब्यू था T20 इंटरनेशनल का, उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो गाइस इज एप्रिसिएशन। अगर मैं कल डाल दूँ ये नसीम शाह की स्टोरी डाल, तो आप कल मुझे गे बोलोगे, नहीं है ना ऐसा। बट याद रखें ये बात, इट्स जस्ट यू नो कॉन्ट्रोवर्सी बनाने का तरीका होता है, हाइप बनाने करके लिख दे। अरे बोला अरे मोइन जुबेर भाई अपना कोई बात नहीं, फॉलो कर जाएगा बंदे को, अपना अपना मतलब एक जरिया होता है कंटेंट बनाने का, इज फाइन। बट आजकल इसकी बात नहीं है, पर इंडिया में भी ये बहुत सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं थी उर्वेशी और नसीम का, तो इट्स फाइन का, इस चलता रहता है ना, पब्लिक फिगर के बीच में थोड़ी थोड़ी गलत बात भी नहीं है, अपनी अपनी चॉइस है यार, ऐसी पसंद भी करता तो क्या बात होगी, गलत बात कर दी। ओके सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और गाइस प्लीज यार आज मैच जीत जाना यार, बिकॉज पैसे लगे भाई के यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैच के लिए, पाकिस्तान पे करती हूँ, पाकिस्तान जीत जाए। हाँ मैं पाकिस्तान की जीत पे पैसा लगाया भाई, जीत जाना, क्योंकि जहां तक मुझे पता लगा कि हसन अली नहीं खेल रहा तो इसलिए लगा दिया मैंने, अदरवाइज मैं श्रीलंका की तरफ जा रहा था। श्रीलंका मैंने इसलिए बिकॉज 5 मैच लगातार जीती है श्रीलंका, पता नहीं 4 मैच, और ऑब्वियसली बात है कभी कभी तो ब्रेक थ्रू होता है ना गाइस, और मुझे लगता है ये मौका ना हो जाए। सो गाइस हाँ देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।